अगला मेन्यू है डिज़ाइन का। तो इसमें डिज़ाइन होते हैं लाइक स्लाइड्स के। अब स्लाइड्स के जो भी डिज़ाइन इंसर्ट करना चाहते हैं वो डिज़ाइन इंसर्ट हो जाते हैं, लेकिन जिसमें मैं क्लिक करूँ वो स्लाइड पे जो लैंग्वेज जो लिखा हुआ है जो उसको भी चेंज कर रहा है, उसकी डिज़ाइनिंग को भी चेंज कर रहा है। इस तरह ये इसका साइज़ भी है जो आप साइज़ रखना चाहते हैं। और ये बैकग्राउंड फॉर्मेट, अब बैकग्राउंड का जो फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, पिक्चर और टेक्स्ट रखना चाहते हैं, पैटर्न फिर रखना चाहते हैं, ये देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। ये पैटर्न है, इसी पे क्लिक करके हम अप्लाई टू ऑल करते हैं। तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया, क्योंकि अभी तो मैंने पिक्चर इंसर्ट की हुई है इसलिए वो शो नहीं कर रहा, लेकिन आप ब्लैंक स्लाइड पे बनाएंगे तो वो शो कर देगा। कि भाई ये डिज़ाइन आइडियाज हैं, ये ऑनलाइन आपको चेक करना पड़ेगा। और इस तरह ये डिज़ाइन सिर्फ इसी इसी में वर्क नहीं करता, ये आप जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको आप चेंज करते हैं, उसका डिज़ाइन चेंज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं जिसको आप चेंज करके उसको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। देखें जिस पे क्लिक करता हूँ वही उस पे आप टैक्स पे अप्लाई कर देता है। इस तरह मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये हमने टैक्स सेलेक्ट की, यहाँ वर्ड डाल ले देते हैं, यहाँ पे वर्ड डाल लिया और डिज़ाइन में लेते हैं। ये देखें जिस तरह आप जिस पर क्लिक करेंगे उसी उसी तरह उसको भी चेंज कर देगा। देखें ये हमारा डिज़ाइन का मेन्यू कंप्लीट हो गया।